जैसा कि मैंने कहा था, हमने पाइथन के बारे में बेसिक नॉलेज ले लिए, मतलब पाइथन के बारे में जान लिया कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी सी है और इतनी पॉपुलर क्यों है। तो आइए, अब बारी है उसे इंस्टॉल करने की। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें गूगल पे सिर्फ इतना लिखना है, डाउनलोड पाइथन। देन उसके बाद आपको एक पाइथन ORG की एक लिंक मिलेगी, मे बी आपके में पहली हो सकती है दूसरी। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डाउनलोड का एक डाउनलोड बटन आ जाएगा, डाउनलोड पाइथन 3.8.2, जो कि अभी तक का लेटेस्ट है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये आपका डाउनलोड होने वाली लोकेशन मांगेगा जहाँ पे आप उसे डाउनलोड करके रखना चाहते हैं। जैसे मेरा ये डाउनलोड फोल्डर के अंदर है, आप इसे कहीं भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और इसे आप यहाँ पे सेव कर दीजिए, या हो गया आपका डाउनलोड कंप्लीट। अब जहाँ पे ये आप हम हमने डाउनलोड कर रखा है, ये रहा मेरा यहाँ पर। अब जैसे आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा लाइक दिस। मेरे में ये अपग्रेड टू पाइथन 3.8.2 दिखा रहा है क्योंकि मेरे में ऑलरेडी 3.8.1 इंस्टॉल्ड है, बट आपके में यहाँ पे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन दिखाएगा। आप उस पर जैसे ही उसे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट 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 करते जाएंगे तो आपका ये पाइथन इंस्टॉल्ड हो जाएगा। देन आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको करना क्या है, अगर आप विंडोज़ 10 यूजर्स हैं या विंडोज़ 8.1, आपको सर्च बार में जाना है एंड यहाँ पे लिखना है पाइथन। आपको ऐसा सा कुछ आइकन दिख रहा होगा, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पाइथन यहाँ पे कमांड लाइन प्रॉम्प्ट में खुल चुका है। अब हम इसे चेक करना चाहें तो ये हमारी बेसिक कैलकुलेशन का भी जवाब देता है लाइक दिस। आप इस पर कोई भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हैं, या डिवाइड, या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी। अच्छा, इसके साथ हमें, इस पाइथन के साथ हमें मिलता है कमांड लाइन नहीं, एक IDLE भी। इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल पे जाइए और न्यू फाइल पे क्रिएट करिए। यहाँ पे आप पाइथन का कोई भी कोड लिख दीजिए और उसे सेव कर सकते हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो पाइथन का कोड लिखा है आप उसे एक जगह स्टोर करना चाहते हैं ताकि बाद में सिर्फ आप वो फाइल को रिकॉल करें और वो एग्जैक्टली पूरा कोड रिकॉल हो जाए, रन हो जाए, तो आप IDLE का यूज़ कर सकते हैं। इसमें जैसे हमने फाइल बनाई हो, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है जो हमारा सबसे बेसिक प्रोग्राम होता है, हेलो वर्ल्ड। ना, मैंने इसे यहाँ पे जाके सेव कर दिया। अब जैसे ही मैं सेव करूँगा, ये मेरे से पूछेगा कि मैं इसे सेव कहाँ करना चाहता हूँ। तो मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और मैं इसे नाम दूँगा माय फर्स्ट प्रोग्राम .py। .py पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है। और मैंने इसे यहाँ पे सेव कर दिया। अब अगर मैं इसे यहाँ पे, अगर मुझे रन करना है इसी उसको, तो मैं सीधे यहाँ जाऊँगा और रन में, और रन मॉड्यूल करूँगा, तो यहाँ मेरा ये रन हो चुका है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरी पाइथन की फाइल माई फर्स्ट प्रोग्राम, ये मेरे ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड है। अभी हमने माई फर्स्ट प्रोग्राम .py करके एक फाइल बनाई और उसे डेस्कटॉप पे सेव कर दी। अब हर बार हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम IDLE खोलें और वहाँ से खोल के इस फाइल को रन करें। हम डायरेक्ट CMD से भी इस फाइल को रन कर सकते हैं। और कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना CMD खोल लेना है। अब ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि हमें CMD पे वो एड्रेस देना है जहाँ पे हमने ये फाइल स्टोर कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे अपनी फाइल डेस्कटॉप पे सेव कर रखी है, तो मैं यहाँ पे CMD पे एड्रेस दे रहा हूँ डेस्कटॉप का। तो देखिए, मैंने अपनी डायरेक्टरी यहाँ पे चेंज कर ली और ये डायरेक्टरी अब मेरी डेस्कटॉप पे ओपन हो रही है। अब मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को खाली अपने प्रोग्राम का नाम लिखना है यहाँ पे, माई फर्स्ट प्रोग्राम .py। अब मैंने यहाँ पे अपना प्रोग्राम का नाम लिख लिया है। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और मेरा यहाँ प्रोग्राम चल गया, हेलो वर्ल्ड, जो कि हमने वहाँ पे प्रिंट कराया था। तो ऐसा करके आप कोई भी पाइथन फाइल को CMD के थ्रू डायरेक्टली रन कर सकते हैं। इन केस अगर आपको किसी भी पाइथन फाइल के पाथ में दिक्कत है तो आप उसे कैसे ढूंढ सकते हैं, आप सिंपली पाइथन फाइल पर जाइए, जहाँ भी आपने कहीं भी स्टोर कर रखी हो उस पर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ पर जाइए और यहाँ सिक्योरिटी में जाइए।
यहाँ आपको ऑब्जेक्ट नेम के अंदर ये पूरा पाथ दिख रहा होगा, आपको सीधे कुछ नहीं करना है, आपको सीधे ऑब्जेक्ट नेम का जितना भी पाथ है पूरा यहाँ से कर लीजिए कॉपी और सीएमडी पे जाइए और यहाँ पे अपने चेंज डायरेक्टरी वाला सीडी कमांड लिखिए स्पेस और राइट क्लिक और फिर एंटर। तो ये देखिए, ये एक्चुअली ऑलरेडी यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। आपको खाली अपने फाइल का नाम नहीं, बस डेस्कटॉप तक, मतलब जहाँ पे ये फाइल्स स्टोर्ड है वहाँ तक का एड्रेस कॉपी करना है। तो यहाँ तक आपने कॉपी कर दिया और यहाँ आपको मारना है एंटर। तो ये देखिए हमारी, ये तो ऑलरेडी वैसे डेस्कटॉप पे ही थी, बट आप ऐसा करके किसी भी डायरेक्टरी के अंदर घुस सकते हैं और वहाँ फिर अपने अपने पाइथन फाइल का नाम लिखिए, .py लगाइए और एंटर कर दीजिए, आपकी फाइल रन हो जाएगी और आपको जो आउटपुट है वो सीएमडी में दिखने लगेगा। सो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, हम पाइथन में आगे और बहुत कुछ जानेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।